उसके बाद अगर वो आपसे दूर होता है, ठीक है, या फिर आप उसे दूर होते हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, एकदम दर्द सा होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम YouTube का जो कमेंट्री गाइडलाइंस है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो टाइम है वो बच पाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में ही VK टेक्निकल भाई या जो विनोद भाई है उसके चैनल पे कमेंट्री गाइडलाइंस स्ट्राइक आ चुका है, जिसके कारण उसके चैनल पे 7 दिन के लिए वो कुछ भी अपने चैनल पे काम नहीं कर पाएगा, लाइक स्टोरी अपडेट नहीं कर पाएगा, कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पाएगा, यूट्यूब पे वीडियोज भी अपलोड नहीं कर पाएगा, लाइव भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, अपने चैनल पे 7 दिन के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो आज VK टेक्निकल भाई के चैनल पे गाइडलाइंस स्ट्राइक आए, हो सकता है कल आप भी कुछ मिस्टेक कर दो जिसके कारण आपके चैनल पे गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि VK टेक्निकल भाई यानी कि विनोद भाई ने कौन सी गलती की जिसके कारण उसके चैनल पे स्ट्राइक आ गया। स्पॉन्सर तो करता ही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर क्लियरली नाम नहीं लिखता हूँ, जो भी ब्रांड होता है, जो भी एप्लीकेशन होता है, लेकिन मुझे कंपनी ने भेजा कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो डिस्क्रिप्शन में, और मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर ब्रांड का नाम लिखा रह गया। और सिर्फ इसी छोटी सी गलती की वजह से आपको बता दूं कि पूरा 24 घंटा भी नहीं हुआ उस वीडियो को अपलोड हुए, पूरे 24 घंटा भी नहीं हुआ, और बस यूट्यूब ने तुरंत ही चेक कर लिया कि इस पर ये मिस्टेक है और ये गलती करी गई है, यूट्यूब का रूल्स का उल्लंघन कर गया, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर गया, और तुरंत ही स्ट्राइक आ गई। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि जब भी आप अपनी वीडियोस के अंदर किसी भी ब्रांड का स्पॉन्सरशिप वीडियोस अगर करते हो तो उस ब्रांड का नेम कभी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखना है, अगर लिखते हो तो आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकते हैं। और कौन सी बात है आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी वीडियोस में किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में मत बताइए जिसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है, लाइक किसी भी ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मत बताओ जिसका मिसयूज करके किसी का फ़ोन को ट्रैक किया जा सके, या फिर किसी का फ़ोन को हैक किया जा सके, ठीक है, या फिर हैकिंग ट्रैकिंग इस तरीके से डिवाइस इस तरीके से एप्लीकेशन को आपके वीडियोस के अंदर मत रिव्यू कीजिएगा। या फिर अगर आप अपने वीडियोस के थ्रू अपनी जो ऑडियंस है उसे आप मिसलीड करते हो, रीयूज डेटा को यूज करते हो, या फिर आप अपने वीडियोस में कुछ और बता रहे हो जिससे किसी भी का हैरेसमेंट हो रहा है, या फिर आप अपने वीडियोस के अंदर किसी ऐसे चीज के बारे में बता रहे हो जिससे अपने जो ऑडियंस है उसको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है, उसके बाद आप अपनी वीडियोस के अंदर किसी भी अगर वल्गर लैंग्वेज का यूज करते हो, सेक्सुअल कॉन्टेंट अगर अपलोड करते हो, या फिर आप अपने वीडियोस के अंदर अगर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप अपने वीडियोस के अंदर किसी भी ऐसे पार्ट को या फिर किसी भी ऐसी चीज को दिखा रहे हो जिसका जो अपना जो ऑडियंस है उसको मेंटली शॉक लग सकता है, इस तरीके से अगर कंटेंट अपने वीडियोस के अंदर अपलोड करते हो तो आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकता है। यूट्यूब पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे यूट्यूब ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में का जो रूल्स है उस पर क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो आपको भी समझना चाहिए कि अगर हमें इस तरीके से वीडियोस अपने चैनल पे अगर अपलोड करता हूँ तो मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकता है। अगर आपको लगता है तो आपको उस तरीके से कॉन्टेंट अपने चैनल पे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है आपको चैनल पे कौन सा गलती नहीं किया है, कौन सा कॉन्टेंट को अपलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसके आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सके। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी चाहिए आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब देख के लिए अच्छे।